Now we discuss about the few important numericals regarding with the prism. और जो बोर्ड में आए हुए हैं बेहद इम्पॉर्टेंट. तो कुछ एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट सुने. वन फेज ऑफ द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड एंगल 75 डिग्री इज कवर्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3√2/4. वट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट ऑन द क्लियर फेज ऑफ द प्रिज्म फॉर विच लाइट इज जस्ट टोटली रिफ्लेक्टेड एट द लिक्विड कवर्ड फेस. ये स्टेटमेंट डायग्राम देखो इसका. तो इज द प्रिज्म, एबीसी इज द प्रिज्म एंड दिस साइड इज कवर्ड विद द लिक्विड एट द क्लियर फेस and refractive index of the liquid is given and it is 3√2/4 while the refractive index of glass means prism is 1.5. iska refractive index 1.5 hai aur ye to air ho gayi, clear phase hai. तो फिर नेक्स्ट तो आपको पता ही वन होगा. एंड इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन 75 डिग्री. ओके, दिस एंगल इज आई और हमें आई कैलकुलेट करना है तब जबकि रे टोटली रिफ्लेक्ट कर जाए, सरफेस के ऊपर आ जाए. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा इमर्जेंट ये कितना हो चुका होगा 90 डिग्री. चलो हमने इसको R1 और इसको R2 मान लिया. सपोज दिस एंगल इज R1 एंड इज R2 और हमें I कैलकुलेट करना है. ओके, फिर से सुन लो स्टेटमेंट. One phase of the prism of refractive index 1.5, angle 75 degree, covered with a liquid of refractive index 3√2/4. What should be the angle of incidence of the light on the clear phase of the prism for which light is just totally रिफ्लेक्टेड एट द लिक्विड कवर्ड फेस. ये बन जाए और हमें आई कैलकुलेट करना है. तो इस सरफेस के लिए हम लोग स्नेस रो लगाते हैं क्योंकि हमें R2 कैलकुलेट करना है. तो साइन R2 इंटू म्यू ग्लास इक्वल्स टू साइन E इंटू म्यू लिक्विड. साइन R2 इंटू 3/2 मीन्स 1.5, ये 90 हो गया और लिक्विड का दे रखा है 3√2/4. सो साइन R2 2/3 × 3√2/4 और ये मिल जाएगा 1/√2 क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया और 1/√2 आ गया. आपको पता है 1/√2 साइन 45 की वैल्यू हुआ करती है. इसका मतलब ये हुआ कि मैं R2 मालूम पड़ गया और ये कितना हो गया 45 डिग्री. वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉम द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म दैट A इक्वल्स टू R1 प्लस R2. A इज गिवन 75, R2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. तो 75 माइनस 45 डिग्री
तो R1 कितना आ गया 30 डिग्री, हमें R1 भी मालूम पड़ गया। और अब I कैलकुलेट करना है, अगेन वी यूज स्नेल्स लॉ। तो साइन I इंटू म्यू एयर इक्वल्स टू साइन R1 इंटू म्यू ग्लास, साइन I इंटू 1 इक्वल्स टू और R1 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और ग्लास का है 3/2, तो साइन I मिल गया 3/4, 0.75, साइन इनवर्स 0.75। और जब इसकी वैल्यू आप लॉग टेबल पे देखेंगे साइन इनवर्स में, तो ये मिलेगा 48.6 डिग्री। और ये क्वेश्चन लगभग ऐसी क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में गिवन है और बोर्ड में आ चुका है और ये 3 मार्क्स में आया हुआ न्यूमेरिकल है। समझ गए होगे, दोबारा देख लो, ये दिया हुआ था कि टोटली रिफ्लेक्टेड है तो ई तो 90 हो गया। आई कैलकुलेट करना था तो हमें पहले R2 निकालना था और हमने एसनेस नोट लगाया तो हमें R2 मालूम पड़ गया, R2 आ गया 45। एक रिलेशन हमें पता है A=R1+R2, तो हमने वो रिलेशन यूज़ किया जिससे कि हमें R1 मालूम पड़ गया। R1 मिलने के बाद हमने दोबारा से इस नेसरो लगाया फॉर दिस क्लियर सरफेस, तो सॉल्व करने पे I मिला 48.6 डिग्री। क्लियर। और देखो नुमेरिकल, कुछ एक और नुमेरिकल जो बोर्ड में आए हुए हैं प्रिज्म के ऊपर वो भी देखिए। एक और नुमेरिकल जो बोर्ड में इस तरह क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है और उसका रे डायग्राम आप देखें, उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट लेके चलेंगे। तो रे डायग्राम इस तरह दिया हुआ है, एंड हियर इट इज 60 डिग्री, ABC, एंड दिस रे PQ, और यहां 90 डिग्री बना रहा है। और अब इसका स्टेटमेंट सुने आप, अरे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेज AB, नॉर्मली पड़ रही, नाउ इज रिफ्रैक्टेड इन द प्रिज्म BAC मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड म्यू ऑफ ग्लास इज गिवन 1.5। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म फॉर विच द फेज विल द रे इमर्जेस, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसका रे डायग्राम बनाना है, कंप्लीट पाथ बनाना है, ठीक है। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच फेज विल द रे इमर्ज, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 60 है, ये 90 है, तो आपको पता ये 30 हो गया, ये भी 90 है, ये 60 हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया। आप अगर देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, अगर I 0 है तो इसने इसलो लगा लो, साइन I इंटू म्यू ए इक्वल्स टू साइन R इंटू म्यू जी, ये 0 हो गया तो R भी क्या हो गया 0, I और R 0 हो चुके हैं। अब यहां पर
एसी फेज के लिए, फॉर एसी फेज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। अगर हम यहां पर क्रिटिकल एंगल निकालना चाहें, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल ऑफ द दिस सरफेस, वो निकालते भाई प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, हमें ये अगर निकालना है तो आपको पता है म्यू इक्वल्स टू 1/sin c, ये रिलेशन होता है, तो sin c हो जाएगा 1/μ, इट इज 1.5 2/3। और जब इसको हमें सॉल्व करना होगा तो इस c की वैल्यू आपको मिलेगी 42 डिग्री, नियर अबाउट 42 डिग्री। TIR के लिए ये एंगल 42 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए था। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल हो गया, और अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो फिर ये AC के थ्रू ये पास हो जाएगी, TIR नहीं होगा। तो हमें ये जस्टिफाई भी करना था कि सरफेस से पास होगी, और जस्टिफाई भी करना था तो क्यों पास हो गई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस सरफेस लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमने जो कैलकुलेट किया वो 42 डिग्री है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एसी सरफेस इज 30 डिग्री, इसीलिए रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी थ्रू सरफेस एसी। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, और इसका भी पहले रे डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर स्टेटमेंट लेके चलें। और इसका रे डायग्राम इस तरह है, हियर एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन, दैट इज 60 डिग्री, रे अगेन 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक। अब जरा स्टेटमेंट देखें आप, ये जो PQ है वो अगेन नॉर्मली फॉल कर रही है, देखें इसका स्टेटमेंट, अरे PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेज AB ऑफ अ ट्रेंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म को रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोला करते हैं, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3। As shown in figure, trace the path of the ray as it passes through the prism. Also calculate the angle of emergence and angle of deviation. इसमें तीन तीन चीजें निकाली गई, एक तो पाथ को बनाना है, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इमरजेंस, और तीसरा एंगल ऑफ डेविएशन। चलो पहले पाथ बनाते हैं, ये भी 90 हो गया, ये 90 है 60, तो ये 30 हो गया, और इस बार ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो अभी भी जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, तो आर भी जीरो हो गया, ओके। नाउ अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां कितना हो गया इस सरफेस के लिए, फॉर सरफेस AC एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो चुका है,
और अब हमें इस सरफेस के लिए हमें ई कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, एंगल ऑफ इमर्जेंट कैलकुलेट करना है, ये 60 डिग्री है। नाउ तो साइन आई इंटू म्यूजिकस टू साइन ई इंटू न्यू एयर, साइन 60 इंटू 2/√3 इक्वल्स टू साइन ई इंटू 1। साइन 60 होता है और √3/2 साइन ई हो गया। यहां से कैलकुलेट करेंगे साइन ई 1 आएगा, तो ई कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब रे इस तरह पास होगी, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है वो कितना आ चुका है 90 डिग्री आ गया। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस आपको मालूम पड़ गया, दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, डेल्टा। ठीक, तो डेल्टा इक्वल्स टू, आपको पता है कि ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे इस सरफेस के लिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा जाके 30 डिग्री। सो डेल्टा इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 हो गया, ये 60 है, तो कितना डेविएट हुआ, 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो यहां से हमें कैलकुलेट करना था, ये हो गया 30 डिग्री। सो द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 30 डिग्री। एक और न्यूमेरिकल देखें आप, इस तरह एक डायग्राम गिवन है, एबीसी। पीक्यू 90 डिग्री, बड़ा सिमिलर से क्वेश्चन देखते हैं, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। और अब इसका स्टेटमेंट सुने, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एबीसी एज शोन इन फिगर। इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3, इज √3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। तो पहले तो हमें पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, ये भी 90 हो गया। ठीक, और म्यू दे रखा है √3, √3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। हमें यहां से ई कैलकुलेट करना है। इसमें तो कोई, आप देखो कि ये तो कई बार हो चुका है, जब आई जीरो है तो आर तो जीरो हो ही जाना है, आर जीरो हो जाना है। तो आर जीरो होने से एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30 डिग्री, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया, मींस फॉर ए बी सरफेस आई इक्वल्स टू 30 डिग्री। और अब इसनेस रो लगा दो, क्या होगा, साइन आई इंटू म्यू जी साइन ई इंटू म्यू एयर, साइन आई 30 डिग्री
म्यू जी रूट थ्री साइन ई इंटू वन, साइन ई मिलेगा रूट थ्री बाई टू, और रूट थ्री बाई टू आपको पता है कि ये कितना होता है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना हो गया 60 डिग्री, तो ई आ गया आपका 60 डिग्री। क्लियर, ये इसका पाथ बनेगा। तो ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे जो बोर्ड में अक्सर पूछे गए हैं 2 to 3 marks में, कोई 2 marks में था, कोई 3 marks में था, जिसमें ज़्यादा वैल्यू चीज़ें पूछी गई वो 3 marks का हो जाता है। अब ये क्वेश्चन था तो ये 2 marks का क्वेश्चन था जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ एक कराए आपको, और अच्छे क्वेश्चन थे और बोर्ड में सारे के सारे आए हुए थे।